कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सांसदों की तनख्वाह और सांसद निधि में कटौती किए जाने का स्वागत किया है। और ये कहते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इस संक्रमण के दौरान पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 सुझाव भी दिए हैं, जिसमें सोनिया गांधी ने सबसे पहले ये कहा है कि सरकारी विज्ञापनों पे 2 साल तक के लिए उस पर पाबंदी लगाई जाए। जो सरकारी विज्ञापन सरकार या सरकारी PSUs के द्वारा दिए जाते हैं उस पर तुरंत रोक लगाई जाए और उसके माध्यम से जो 1250 करोड़ रुपये का सरकार का बजट है उसका उपयोग कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को दूसरा सुझाव ये दिया है कि संसद भवन के रिनोवेशन और नए संसद भवन के निर्माण में जो 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है उस पर रोक लगा देनी चाहिए और उस पैसे का सदुपयोग किया जाना चाहिए। जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उसमें उसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही सोनिया गांधी ने तीसरा सुझाव ये दिया है कि बजट एक्सपेंडिचर में 30% की कटौती होनी चाहिए, सरकार को करना चाहिए। उसमें से जो वेतन या जो पेंशन के या जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको छोड़ के अगर उसमें 30% की कटौती की जाती है तो उससे 2.5 लाख करोड़ रुपए का बचत होगा, जिसका सीधा उसका उपयोग जो है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किया जा सकता है। चौथा सुझाव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को ये दिया है कि सभी विदेश यात्राओं पर रोक लगा देनी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या कैबिनेट के दूसरे मंत्री हों, उनके विदेश यात्रा पर रोक लगानी चाहिए। विशेष परिस्थितियों के अलावा अगर प्रधानमंत्री उसको ज़रूरी समझे उसके अलावा विदेश यात्रा पर रोक लगानी चाहिए। चौथा सुझाव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से ये दिया गया है कि जो PM केयर फंड है उसमें सारे जो और जो पैसे हैं उसका ट्रांसफ़र सीधा PM केयर फंड के में होना चाहिए। जो नेशनल रिलीफ फंड है, जो तमाम दूसरे फंड्स हैं, उसके सीधे तौर पे सारे पैसा को PM केयर फंड में ट्रांसफ़र करना चाहिए और उसका उपयोग सरकार को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए करना चाहिए। तो इस तरह से तमाम सुझावों के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर सरकार से ये अपील की है कि वो कोरोना महामारी के दौरान जितने भी रिसोर्सेज को एकुमुलेट कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है, वो करे। और इस मौके पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।